I'm not in this series. I'm Shravan's friend. Photo hai. Jo Hema bana hai na, Shravan Reddy. I'm his friend. Girl lock. Okay. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने बहुत बहुत करीबी दोस्त और बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे सह कलाकार भी रह चुके हैं कृष्णदासी सीरियल में, श्रवण रेड्डी ऑफकोर्स, उसी को सपोर्ट करना है और बाकी भी सारे कलाकार जो इतने उम्दा हैं क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा है एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. इनफैक्ट एक साल पहले इन्होंने शायद शूट स्टार्ट किया था, तब मैं एक दो बार सेट पे भी गई थी श्रवण से मिलने, तो मैंने देखा किस तरह से वो प्रेप कर रहा था और कितनी मेहनत की है उसने. तो बड़ा मज़ा आएगा आज फर्स्ट एपिसोड देख के इसका. ऑफकोर्स इट्स द इन थिंग नाउ एंड मूवीज़ के बराबर एट पार हो चुका है. बस इतना है कि हम अपने समय पे देख सकते हैं उसको, जब चाहे देख सकते हैं. और आई थिंक इट्स द मोस्ट कूलेस्ट थिंग राइट नाउ. टेक ओवर तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि टीवी की एक अपनी दुनिया, मैं टीवी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि टीवी की एक अपनी ऑडियंस है, वेब की एक अपनी ऑडियंस है. बस इतना है कि टीवी में हम बहुत सीमित हो जाते हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स को लेकर, बट वेब की जो सीरीज़ होती है वो हम जब चाहें देख सकते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं और बड़ा एक अलग मज़ा है उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का. सो आई थिंक दोनों के अपने अपने मज़े हैं. मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से अभी टीवी तो मैं फ़िलहाल तो नहीं कर रही, पर एक मूवी आएगी मेरी आई थिंक जुलाई तक, बम फाड़ नाम है उसका. ऑफकोर्स मैं कुछ नहीं बोल सकती उस बारे में, लेकिन मैं एक बहुत प्यारा किरदार निभा रही हूँ उसमें, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ. हाँ मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ. ये कैसेट्स मेरे पास बहुत सारे होते थे, पैसे जमा कर करके, मुझे याद है 99 रुपीज़ के आते थे, तो बहुत सारे हम दिल दे चुके सनम ताल और ये सारे मेरे पास थे. इस कैडबरी एड के पीछे भी मैं बहुत दीवानी थी, तो हाँ मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ 90s के ज़माने को, बिकॉज आई थिंक वो एरा था जब मैं बड़ी हो रही थी. तो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जैसे ये होर्डिंग ही बता देता है कि मतलब फॉरगॉट टू मेंशन दैट इट्स अ लिटिल काइंड ऑफ अ पीरियड, नॉट एग्जैक्टली पीरियड बट कंटेंपरेरी पीरियड बोल सकते हैं, बेस्ड इन 90s. सो इट्स कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया. सो एजेंसी में MTMC द एजेंसी इज कॉल्ड. सो सारे क्लासिक एड्स हैं और हमारे एड्स डायरेक्टर भी जो है वो भी वेरी वेल नोन फिल्म एड फिल्म मेकर और कॉपी राइटर. So this is a very famous act, Cadbury jo aapka dance karti hai and the ground. So many famous ones here. All I think Bajaj bhi hai usme. We mentioned in the show though, hamara Bajaj. So those kind of things. So most of them are classics. So it always makes you nostalgic looking at these acts. Because ads actually set a kind of an emotion, sets the emotion for the country always. So it's also about that. So it's very nostalgic. Okay. And you saw a picture ke sath mein kaam karne ka experience. The best thing is both, even the director and even the producer, Rajneesh and even Patty, both of them started as someone being part of an ad filmmaking, and they've been part of being copywriters and stuff, someone who's been heading some big companies. So they know what exactly they were getting into and they know the world in and out. So as an actor, when the producer and the director are so much in sync of what they want to put across, so as an actor, it gets very easy, our job gets really easy. And the journey becomes very pleasing for us, and we don't have to really panic because once, even for the first time when I met the director, for me one thing was very clear that he knows his world in and out. So my journey as an actor would be very easy. Anything, I don't have to do my too much of research. I just have to speak to him and talk it out to him. So it's basically right people doing the right subject. It's a huge cast. In its own way, and everyone is very important. All the characters are very well written. भले कहानी दो लड़कों की है और उनकी लाइफ को लेकर है, उनकी जर्नी को लेकर है, एंड बट एवरी वन कैरेक्टर्स लाइक वेरी वेल सीजन एक्टर्स लाइक मंदिरा जी इज़ देयर, सत्या इज़ देयर, सत्यदीप,
So it's, and the very seasoned actors. So it's a, it was a great experience working with them. Lot to learn from them, being honest. And very humble people who were also very, if I may say so, very kind and patient when with a person like me especially. So it was a great experience for me, and I had a lot of scenes with Mandiraji because she plays my boss, and I look up at her like she was like a mentor in the show for me, for my character. So it was a great experience, and many other, Debuda is there, and even the other actors like Anandita from Kolkata, she's also a seasoned actor in the Kolkata industry, and many more names. I mean, I'll be missing a lot of names, few new you can say, but they were casted so well for the show and the character. So it looks very diverse in terms of, even if you look at them in one frame, you, whenever there are a lot of scenes, but probably the whole cast is there. So I think even the casting was apt, and it just fell in place. So it just looks nice here. It's a delight when we even looked at each other once we were dressed as characters for the first time. It was a delight. I think I'm very neutral. I don't know if I'm nervous. Excited, definitely nervous. So shayad bhoomi. Thank you. Yeah. Okay. So I'm playing the creative head in this agency, MTMC. Or it's about what goes on in an ad agency. Matlab, how these iconic ads are made. Like, I can't really name the brands, but you know, the ads that we've grown up watching. And so basically, ek office drama hai, and also along with office drama, there is a lot of we've got some really nice social messages also. In a very underlined way, though, and so this is like a fun office drama that, and everyone is there. It's like a really huge ensemble that we got, and this is my first ever Hindi web show, so I'm very excited about that, and I couldn't have thought of a better show to start off with. जलेबी वो तो मेरा फेवरेट वाला ऐड है बिकॉज आई रियली लाइक दैट किड. अभी तो किड नहीं है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, बट दैट वॉज माई फेवरेट ऐड. Well, what can I say? As my first project, this was the best team that I could work with, and it wasn't really very professional. It was, all of us have become such good friends with Jigsaw and with everyone, and Rajneesh is the coolest producer that we can ever have. So it was actually a dream team that I got to work with. Okay, I think what MX Player is doing, which other platforms are not doing, is that they are coming up with really interesting concepts. So, I mean, I'm sure each and every platform really wants to do that, but MX Player has really, I think they are trying to push the boundaries by showing us and making these kind of concepts. So, I would really like to thank them because they actually, you know, they are making these kind of shows, and they are also really getting in more actors from other regions, because I'm from Calcutta. So for me, this was my first thing ever, and so yeah, so congratulations to them. क्लियरली आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर ठीक तरह से नहीं दे पा रही हूँ. सो सिंस अगेन, एज आई सेड, दिस इज माई फर्स्ट टाइम एवर, सो आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि आई एम गोना बी सीइंग माई सेल्फ स्पीकिंग इन हिंदी ऑन द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. Right there? Okay. All right, tell me. Okay, so biggest idea is that India. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहिए कहाँ से idea इस series का आया उसके बाद. I'm see, you guys are all really young.
सो लेट मी टेल यू कि एक ज़माने में इंडिया वॉज एक्चुअली इंडियन एडवर्टाइजिंग वॉज ऑल अबाउट कफ परेड पीपल राइटिंग एड्स यू नो लाइक गोल्ड स्पॉट द जिंग थिंग ओके जॉय ड्यूएट थिंग्स लाइक दैट बट वॉट हैपेंड वॉज टूवर्ड्स द लेट 90s there people started realizing that you know advertising is not just about the metros it's about the small town and the biggest markets are going to be the small town so what happened was there was an influx of people from here then everywhere there were lots of people coming in from smaller towns Allahabad Meerut you know which is now Prayagraj by the way and so that influx actually began to change advertising and uske baad kya hua ki the narrative actually became about local advertising you know thinking global acting local all of that happened around that point so because of that the entire conversation and pop culture in India began to shift so this show is really about that on the surface but it is also about the changing narrative of India itself It's about, the value systems changing. Back in the 90s, a father wanted his daughter to marry a bank employee. In the early 2000s, most fathers wanted their daughters to marry rich people, right? So it's about the change in the values. It's about the change in the value system, the ethos, all of that. And as the show progresses, we actually also follow the political developments in India and the increasing right-wingism, all of that. And it's ultimately it's about how a big idea can really change the world. Yeah. 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 How was your experience? Oh, everybody's a friend. So there are no stars and there are no juniors. Everybody was a friend. I mean, we had a huge set in Naigaon. I was playing table tennis and chasing after everybody. I was doing the same thing. So we were all college kids in a large campus, and we worked together. The moment I called action, everyone was all professional. The moment I said cut, everybody was back to their normal. It was great, great, great experience. Is it excitement, nervousness? You know, see, I've lived with this show for about a year and a half. So it's going to be deja vu for me. Okay, I saw some of these episodes even yesterday. So honestly, I don't feel like going in and watching it right now because I've had an overdose of it. You know how it is with all creative products, you always feel it's not finished yet, you know. You want some more time to polish it, finish it, do some more, add a little bit of music there, you know, raise the performance here, cut it a little differently. So that's the feeling that I have, that's what I'm going to be going in with. Yeah. Of that era. Okay. There were quite a few. See, one of them was, I liked all the naughty ones. I liked the Benetton hoardings the most. The United Colors of Benetton the most. Because even then for me, the biggest problem was the amount of conflict that's happening around the world today, and Benetton spoke the language that I like. You know, that's really so. That was one of my best. Yeah. All right. Cheers. Enjoy. Pani. I just want water. I'm extremely nervous, so I've asked for water. Is it? I mean, is you going to ask some? Yeah. Ji. It's both actually, but I think I'm more nervous right now. No, I can't say actually. I'm equally excited as well. So because I haven't been to a screening in a long time, you know, screening my stuff.
and I'm also, you know, we've tried to make something different. So, and I haven't seen anything. I've not seen a single episode. So yeah, I also want to watch and see how is it shaped up. And also, I've called my friends. So I don't know how are they going to find it. So yeah. मेरा जो कैरेक्टर है वो भोपाल से है, एक सिंपल सा स्मॉल टाउन का अच्छा सा लड़का है, ऑनेस्ट है, बहुत सिंसियर है, बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत अच्छा राइटर है. तो वो उसके बड़े बड़े सपने हैं, बट उसका एक मेजर कॉम्प्लेक्स है जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, व्हेन वी वॉच द शो, आई होप इट कम्स आउट वेल, ही फील्स, यू नो, दैट पीपल हु कैन स्पीक बेटर इंग्लिश they get more opportunities, and I think us complex se wo guzarta hai. To mota mota to character aisa hai. This one, see, on paper it was very creative. I think Paddy is probably one of the most creative people I've worked with. I still have to watch the show, so I think it's going to be I haven't seen other shows of MX, so I don't know if I can compare it to those shows, but it's very different. I mean, from the other shows that I've seen, not only on MX but also on the other channels. So I'm also looking forward to watching it and discovering the different thing about it. Jigsaw Pictures. It was very good. Yeah. I think Rajneesh is one of the sweetest producers I've worked with. Uttama is outstanding. I don't know if you know Uttama. She was also on set all the time. It was very good, yaar. I think handling so many actors at the same time every day, you know, they were handling more than 25-30 primary actors, I mean characters every day. I think that's a big task, and I think I'm very happy we could manage to pull it off. Yeah. Okay. So before going, you know, there's a whole lot of fans of that era behind. Yeah. Today. Yeah. So, of that era, yeah. Of that era, I this is strange. I'm going to be talking about lots of ads. I remember that Dhara ka ad, Dhara Dhara, Shuddh Dhara. You know, there's a guy who is about to leave his house, and then his I think grandfather or father offers him jalebi, and the moment he hears about jalebi, he like drops his plan of leaving the house. I remember that ad. I think that was very good. Then this Cadbury ad, I think this was very cute, you know. So there used to be a Lidl ka ad, lots of ads actually. We are going to witness that, like, once we're inside. Yeah. Thank you so much. Namaskar. I'm actually really excited for Thinkistan, because when I was doing Aafat with Times, with MX Player, that's the time when the creators had informed me about Thinkistan, and to me it sounded like a really rocking concept. And I still remember, after wrapping up Aafat, we were going in the car and I was told that, you know, we are making this show on the advertising boom, and finally this show is out, and I am really looking forward. When I saw the cast, I was like, wow man, this is a brilliant cast. And I am personally a very big Mandira Bedi fan. So, since I was a kid, I was a big Mandira Bedi fan. So, you know, I'm looking forward to seeing Mandira in action. And the rest of the cast also, there are, you know, a bunch of young, really good actors. So I'm looking forward to seeing their performances. And definitely I'm here to support Times and MX Player, because my web debut is with them, Aafat. You can still watch that on MX Player, I must say. मैं आपको एक बात बताऊं, तो आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एमएक्स. मैं खाली इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने एमएक्स का काम किया है, पर मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूं कि एमएक्स की जो टीम है, व्हाट आई नो ऑफ देम, दे आर द वंस हु एक्चुअली बिलीव इन कंटेंट बेस्ड शोज एंड गिविंग कंटेंट अ लॉट ऑफ थॉट, यू नो, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या एंटरटेनिंग होना चाहिए, और वो अपना एक अलग नीश बना रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, यू नो. My favorite ad, there would be few, but couple of them would be, one would be, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, फिर भी रोशनी देता बजाज. और फिर एक और,
वो थी जिंदगी जीने के लिए सारी दुनिया मेरे लिए, ये रिमेम्बर, आंखों में जिंदा दिल ताजगी हर पल है मेरे लिए. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. Hello everyone. बहुत एक्साइटमेंट है मेरे लिए बिकॉज ये मेरा पहला वेब शो है. मैंने इससे पहले कभी भी वेब नहीं किया है, सो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट फॉर मी ऐसा होता है एक नई जर्नी है बिकॉज आफ्टर डूइंग टेलीविजन फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड वो एक अलग रोड था, ये एक अलग रोड है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बिकॉज पूरा स्कूलिंग भी अलग था इनिशियली. सो I've had my challenges as well, huh? Yeah, how about you? बहुत डिफरेंस लगा क्योंकि इन्होंने भी बड़े डिटेल में तैयारी के साथ शुरू किया था. और जब इसकी शुरुआत हुई थी ना तब मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर दो शोज कर रही थी, मैं CID और कोरस कर रही थी और उसके साथ साथ है ना मैं इनका ये वर्कशॉप से शुरू कर रही थी. तो पता नहीं टीवी में एक अलग टाइप की एक्टिंग होती है और माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल में और भी थोड़ी ज़्यादा. तो मैं जब यहाँ से वहाँ जाती थी तब थोड़ी हिली हुई होती थी, वहाँ से यहाँ आती थी तब. तो बट दैट्स व्हाट एन एक्टर यू नो यू नीड टू ग्रो एंड बैलेंस इट आउट एज अ परफॉर्मर. एंड सो या सो लास्ट ईयर वाज लिटिल हेक्टिक फॉर मी विच आई एम ग्लैड दैट एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड. सो वो दो शो के साथ साथ फिर मैंने ये किया. जिग्सॉ इज अ लवली प्रोडक्शन हाउस, बहुत अच्छा मुझे इनकी बात लगती है कि दे बीन सो प्रोफेशनल इन अ वे एंड एवरीथिंग वॉज अप टू द टी एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली फ्रेंडली. कुछ भी छोटी सी छोटी भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो, यू नो सो द प्रोड्यूसर रजनीश वॉज ऑलवेज देयर, यू कैन कॉल अप एनी वन. सो अ वेरी नाइस प्रोडक्शन हाउस एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर लॉट ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स. And this show also, I would say, this show itself is, I'm glad that I'm beginning my web journey with such a show which is so thoughtfully and tastefully written. Detailed workshops and the way I think, hats off to Paddy because he's lived this life for decades and honestly, he's very smartly picked up the smallest of nuances. And has you know put them in the script jo humko padh ke hi laga. So it's really an enriching script. So I don't know, I've not seen this show yet. I really hope that it'll come across the same as it looked on the script, and I'm very excited about my character as well. Yeah, I will tell. So this is, the character is called Meena, English copywriter. You know, nice buddy, ये दोनों की अमित एंड हेमाज बेस्ट बडी, तो तीनों के बहुत मस्ती वाले सीन्स. सो सनीना आई वुड से एग्जैक्टली द वे शी इज व्हाट आई लुक लाइक, वेरी सिमिलर फिजिकली व्हाट श्रद्धा लुक्स लाइक. बट यू नो बट वो अंदर से इट वॉज लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज अगेन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूलिंग एंड इंग्लिश कॉपी राइटर. सो आई रियली हैव टू वर्क ऑन माई डिक्शन vocab thoda sa, and Paddy being so particular, so it is truly a great learning being here. Koi upcoming project obviously share karna main ek naya venture shuru kar rahi hu, par bahut hi
शुरुआत में था, कुछ बोल नहीं सकती. इट्स लाइक टू अर्ली टू से एनीथिंग, यू नो, वी बी जस्ट इन टॉक्स. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड होप गॉड वी गेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड एवरीवन. चलो, आई विल सी यू. थैंक यू. ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होगा ये वाला, आज मुझे याद नहीं आ रहा है कि दिस इज वेरी नाइस फॉर योर मेड. ओ आई लाइक अमूल मिल्क, ये वो आई लाइक इट, वेरी नाइसली मेड, कूल, हर छोटी चीज. हम लोग को 80s वाले बच्चे हैं ना, तो हम लोगों ने आधी चीजें देखी है जो आई एम श्योर 90s वाले लोगों ने नहीं देखी. थैंक यू सो मच, सी यू ऑल. Tinkistan की स्क्रीनिंग है एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं श्रवण को सपोर्ट नहीं करूँ, बिकॉज श्रवण रेड्डी को मैंने पता नहीं, आई थिंक जब मैं बॉम्बे आई थी तो फर्स्ट फ्यू फ्रेंड्स जो मैंने बनाए थे उनमें से एक था. सो इट्स बिन 11-12 ईयर्स सिंस आई नो हिम. सो ऑफकोर्स आई एम गोना बी सपोर्टिंग द थिंक पार्ट ऑफ थिंकिस्तान. बट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज मैंने प्रोमो देखा शो का एंड इट्स सो एक्साइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट को नहीं सपोर्ट करना चाहती हूँ उतना ज़्यादा. ऐसा बायस नहीं है मेरे दिमाग में, बट आई कम फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड आई ग्रू अप स्पीकिंग इंग्लिश. सो आई थिंक आई वुड रिलेट मोर टू द थिंक एस्पेक्ट ऑफ थिंकिस्तान. मैंने श्रवण से एक्चुअली आते ही पूछा कि क्या वो एक्साइटेड है अपने आप को बिग स्क्रीन पे देखने के लिए, एंड लाइक हाँ. बट मुझे पता है आज से 10-11 साल पहले जब फर्स्ट टाइम श्रवण टीवी शो में आया था एंड वी वर ऑल हिज फ्रेंड्स उस टाइम पे, एंड वी वर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि हमारा एक कोई जानने वाला, यू नो, स्मॉल स्क्रीन पर है. एंड आज हम गोना बी सीइंग ऑन द बिग स्क्रीन विच इज़ ह्यूज, एंड ऑल्सो आई थिंक आई लव MX प्लेयर फॉर दैट रीजन, बिकॉज स्क्रीन का साइज जो भी हो लोग उसे अपने कन्वीनियंस पे देख पा रहे हैं, विच इज़ फैबुलस, विच इज़ ग्रेट. इनफैक्ट हर इंटरव्यू में सब लोग जब मुझे पूछते हैं आप किस टाइप का शो करना चाहती हूँ, मैं सबको आज जवाब देना चाहती हूँ, मुझे आंसर मिला है, इस टाइप का शो करना चाहती हूँ. शक्ति के बाद अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं, बट आई एम वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. लेट्स सी. कैडबरी, क्या स्वाद है जिंदगी का, everyone's favorite. I think we grew up to that, and ye khane ka man kar raha hai mera, like this is what I grew up on, this is like heavenly. Melody, in fact mere ghar pe is waqt bhi mere paas ek jar full of melody hai. I shapath. खाना नहीं है ना मेरे दांतों में. मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं इस लड़के को सपोर्ट कर रहा हूँ यार. अरे कहाँ है वो जो लड़का पोस्टर पे है ना, वो इधर, वो जो लड़का पोस्टर पे ऐसे कर खड़ा है ना, मुँह चुका के, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ. बाकी लोगों को थोड़ा बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी गुड फ्रेंड हूँ माई, रविंद कसूजा एंड ग्रेट एक्टर, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, बचपन, ऑलमोस्ट बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं. तो हम लोग दिल्ली में गरीब थिएटर किया करते थे, प्लेस किया करते थे, साथ में चाय पिया करते थे, वड़ा पाव खाया करते थे, अब हम साथ में सैलेड्स खाते हैं. तो ये बहुत लंबा पुराना रिश्ता है, एंड इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड आई हैव सीन द ट्रेलर एंड इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन द ट्रेलर. आई टोल्ड हिम दैट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द शो, स्पेशली नवीन in the show, and of course I want to see how the show is also turned out. Okay, big screen par mujhe dekhne ke liye.
बिग स्क्रीन पे देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट हुआ? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बिकॉज यूजुअली ऑल दीज वेब शोज यू एंड अप वॉचिंग ऑन द लैपटॉप ऑर द फोन, विच इज़ फाइन, बट इट्स देर इज एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म एंड देर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग समथिंग ऑन द बिग स्क्रीन. सो आई थिंक व्हेन यू गेट टू वॉच समथिंग ऑन द बिग स्क्रीन, आई ट्राई कि मैं जो मौका है वो छोड़ ना दूँ, क्योंकि फ़ोन पे और लैपटॉप पे तो देख सकते हैं, बट अगर उसने बुलाया है और मैं फ्री हूँ और मैं देखने का मौका है मेरे पास, तो मैं उसी के मौके को यूज़ करने के लिए आ गया हूँ. मेरे से उस आई थिंक ऑफकोर्स ये मोस्ट पॉपुलर एड्स है, और वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये लोग एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं कि अरे याद है ये कितना पॉपुलर एड था और कितना देखते थे. ऑफकोर्स इट वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, वो क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, बीच में लड़की आ रही है डांस कर रही है, तो वेरी फन एंड रिलेटेबल दिस थिंग. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कहानी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स नहीं थे, बट एक बहुत ही सिंपल जॉयफुल एक्ट था. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज रिमेंबर. बाकी अभी मुझे भी याद नहीं आ रहे थे कौन से हैं, शायद ये मेरे भी जमाने से पहले के हैं कुछ कुछ. थैंक यू. वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो नवीन जो इस शो में है ही इज इन आ फिल्म मैन टू मैन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस. ही इज प्लेइंग अ डिफरेंट रोल इन दिस एंड दैट, सो आई वांट टू वॉच दिस. आई थिंक इट विल बी रियली नाइस एंड कूल. ओके, और यू नो आल्सो पीछे हाँ उस एरा मीन्स आई रिमेंबर दिस द डेरी मिल्क एड वेयर शी रन्स इन द फील्ड एंड डज दैट. I remember that. I don't remember the other. The cassettes are quite cool. Yeah, the Dairy Milk one I remember. Yeah. It's nice that we have, filmmakers have a very free, a free this thing to make some stuff on the web. I think there's more creative stuff coming out because you're allowed to do so much more stuff that sometimes film doesn't allow you to do. So it's nice. A lot of people are getting a chance. People who sometimes won't get a chance to be in a film are getting a chance to be on a web show, and then from there getting into film. So all mediums are all coming together, I think, now. It's nice. Thank you. Hi guys, this is Rajit Barmecha, aapka apna Tarun Prabhu. अभी मेरा दोस्त आ रहा है एमएक्स प्लेयर पे ऑन 24th ऑफ मई ऑन एमएक्स प्लेयर. आप देखना मत भूलिए थिंकिस्तान, एंड एज ऑलवेज इट्स फ्री, सो डाउनलोड एंड वॉच इट नाउ. हाँ, नवीन कस्तूरिया, वन एंड ओनली. Yes, you are not. I think it's amazing because it's not even I'm saying, kyunki I've done Hey Prabhu with them and we started our journeys on this web platform, but then genuinely like all the friends who've watched Afat and Hey Prabhu, they've had like great things to say about. I've still been getting messages for Hey Prabhu, so I think they are doing something amazing. They're getting very very good quality stuff for people to watch for free, so I think it's amazing. Glad to be a part. Okay, so as you said, you know, I'm coming home अब बहुत मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट कुछ कर रहा था, इज राइटिंग समथिंग, एंड कस्तू का मुझे फ़ोन आया कि आई हैव टू कम एंड जस्ट लाइक टू आवर्स बिफोर राइट नाउ, एंड इफ इट वॉज फॉर एनी वन एल्स आई वुड नॉट, बट फॉर नवीन कस्तूरी आई एम ह्योर, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट. देखेंगे, बताएंगे, सीजन टू, यू नेवर नो. आई स्टिल रिमेंबर यार उस एरा में जब मुझे कोई लड़की अच्छी लगती थी तो मैं कैसेट पे गाने भर के लाइक यू नो यू इफ यू लाइक वन सॉन्ग यू रिपीट द सेम सॉन्ग लाइक ए एंड बी साइड पे, सो आई हैव डन दैट. थैंक यू गाइस. नर्वसनेस नहीं है बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलरेडी अ विनर.
because this kind of a show has not been done. So we are very confident about it. And as far as the product also is there, what we have shot, I think when you all will see it, you'll realize that it's of a very superior quality. Okay. So being a producer, you know, what made you being a part of this show? Okay. The show is on Indian advertising and the show starts in the year 1996. A year before that, I had joined advertising as a trainee. So when this script came to me, I had no option but to do it. Okay. So, and between me and Paddy, I think we could give the most realistic representation of the world of advertising that existed around that time. And since we were in production, we got into this without thinking about it twice. Okay. So, also, we would like to know about your experience working with this and working with this country. Outstanding, actually. And this is not because I'm trying to make anyone happy, because it's a very difficult show to make, because it's an era-based show, and there is a lot of, the show is, because there are many people who know that era. It's not like some 200 years ago, it's just like about 25 years ago. And a lot of people will see this show. Also, I belong to an advertising fraternity. I still make a lot of television commercials. So there are a lot of friends who will see this, and I had to be sure that I'm not showing anything which is untrue of that era. And so everything in terms of set, props, styling, language, music, everything has been done to the detail. Okay, as you said, you know, you have already been a part of this industry, like advertisement industry. So was there any memory which you recollected when you were shooting for this, you know, series? Yeah, there are a lot of things. One of them we have used is the fact that there's a scene where I had to do something, though I didn't come from the creative field. But I'd gone for a presentation and we were making the presentation to the top management, and we did not have a script to be presented. So I remembered my very senior creative director had done one trick. He just took a paper and read out something which was not even written, and the script was approved. Since I was working on the brand, it was very easy for me to conjure up a script on the spot and presented it, and came back and I told everyone. So I got firing because the script was not done by creative. It was written by me on the spot, but it was not even written. I just, you know, just spoke it out. Okay, so as we have asked everyone, you know, that there are a lot of ads on behind the movie, as you can see. So we have asked everyone that which one was their personal favorite ad of that era. So we would definitely like to know it from you as well, that which was your personal favorite ad from that era. Amongst these, there are many ads, but amongst this, I think I very vividly recall this one, Dairy Commercial and Dairy Mill. These were two iconic ads of that time, that era. Very, very. Thank you so much. Thanks.